तो गाइस अभी तक हमने बात कर लिया इंडिया, यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इतनी सारी जगहों की बात कर ली। तो अब 7 नंबर पे ले आते हैं यूरोपियन कंट्रीज को। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम प्रेरणा मिश्रा। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट व्हाट टू डू आफ्टर एमबीबीएस इन रशिया। सो गाइस, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर या सिक्स ईयर में भी हैं, जो कि पूछते हैं कि चलो हमने रशिया में एमबीबीएस तो कर लिया, लेकिन अब इसके बाद क्या, आगे क्या करना है हमें। कुछ नए स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि यहाँ पे एमबीबीएस करने के बाद, रशिया में जैसे ही आपका 6 साल का एमबीबीएस हो जाता है, उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, कहाँ कहाँ आप जा सकते हो, कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हो। सो यही चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखेगा, ये काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। सो इसको एंड तक देखेगा क्योंकि फिर आपको सारे ही ऑप्शंस पता चल जाएंगे कि आप रशिया से जब एमबीबीएस कर लेते हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, आगे की बात करने से पहले मैं आपको ये जगह दिखाने चाह रही थी। ये एक स्टेडियम है यहाँ बहुत बड़ा। अभी यहाँ देखो बर्फ ही नहीं है, तो यहाँ लोग खेलने आते हैं, लेकिन पहले जब विंटर सीजन था तो पूरा बर्फ था, तो लोग यहाँ स्केटिंग करते थे। ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हो झूले वगैरह भी लगे, तो लोग आके इंजॉय करते हैं यहाँ पे। एंड बहुत ही सुंदर जगह है ये, मतलब आप यहाँ पे बैठ के चल आउट कर सकते हो, ये इतनी अच्छी जगह। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में ही इटसेल्फ आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे ही आप यहाँ पे एमबीबीएस करके जाते हो। तो देखो, अभी यहाँ पे एफएमजी एग्जाम है इंडिया में, आप जैसे ही जाओगे यहाँ रशिया से एमबीबीएस करके, तो आपको एफएमजी एग्जाम देना पड़ता है जिससे आपको लाइसेंस मिलता है। लेकिन जब तक आप आओगे यहाँ, ग्रेजुएट होगे, तब तक नेक्स्ट एग्जाम लागू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें बताऊंगी। तो गाइस देखो, नेक्स्ट एग्जाम के बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, डेडिकेटेड वीडियो, बहुत डिटेल में मैंने बनाया है, बट स्टिल मैं यहाँ पे एक समराइज बता दे रही हूँ आपको कि नेक्स्ट एग्जाम क्या है, कैसे होने वाली है चीज़ें। तो नेक्स्ट एग्जाम में क्या है गाइस, कि आप यहाँ से 6 साल का एमबीबीएस करके जाओगे इंडिया, फिर उसके बाद आपको वहाँ पे नेक्स्ट वन देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट वन देने के बाद आपका 1 साल का इंटर्नशिप होगा, एंड देन आप नेक्स्ट 2 दोगे, और ये एग्जाम सारे पास करने के बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगा इंडिया में वर्क करने का, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। तो गाइस, अब ऑप्शन क्या मिलता है आपको दो। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि आप ये सारे एग्जाम क्लियर करो और नॉर्मल फिर एमबीबीएस डॉक्टर बन के जॉब कर सकते हो आप। दूसरा आपका ऑप्शन ये है कि इस नेक्स्ट एग्जाम से आपको एक और बेनिफिट ये मिल रहा है कि आप नेक्स्ट वन में अच्छा एग्जाम में स्कोर कर लो, और फिर उससे आपको पीजी की सीट भी मिल जाएगी। तो पीजी सीट मिलने के बाद आपका जितना भी 3 या 4 साल का पीजी होगा, अब वो कर लो और फिर उसके बाद अपना पीजी डॉक्टर बन जाओ, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपको कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, न्यूरोलॉजिस्ट बनना है या न्यूरोसर्जन, ऐसा टाइप का कोई चीज़ बनना है, तो आप उस चीज़ में सुपर स्पेशलिटी भी कर लो, और फिर उसके बाद आप जो भी रेस्पेक्टिव फील्ड में आपको स्पेशलिस्ट बनना है, आप वो बन के भी जॉब कर सकते हो आगे। तो गाइस, ये तो बात हो गई इंडिया की। तो अब बात करते हैं आपके दूसरे ऑप्शन की। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास जो है वो है यूएसएमएलई। तो गाइस, यूएसएमएलई एग्जाम जो होता है वो यूएसए के जो लाइसेंस आपको मिल जाए, वहाँ वर्क कर पाओ, वहाँ पीजी कर पाओ, उसके लिए मिलता है, ठीक है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारे डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, मैं बहुत जल्द डालूंगी उसे सारे, तो बहुत अच्छे से देखेगा, आपको हर चीज़ एक एक डिटेल बहुत अच्छे से मैं आपको बता दूंगी उन वीडियोस में। तो अभी मैं आपको समराइज में यहाँ पे बता देती हूँ कि क्या होता है कि जब आप यहाँ 6 साल एमबीबीएस कर रहे हो, तो उसी के बीच में यूएसएमएलई में जो 3 स्टेप्स होते हैं, उसके 1 स्टेप आप अपने पढ़ाई के बीच में ही दे सकते हो, फिर जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो तो स्टेप 2 दे सकते हो, और फिर ये सारे स्टेप्स, प्रोसीजर्स जो हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारे कंप्लीट करके आप यूएसए जा सकते हो, वहाँ पर अपना वर्क कर सकते हो, और आप वहाँ पे रेसिडेंसी भी कर सकते हो, मतलब जिसे हम पीजी बोलते हैं वहाँ यूएसए में उसे रेसिडेंसी कहा जाता है। तो वो आपको पहले रेसिडेंसी कराते हैं, एंड देन आप वहाँ पे वर्क भी कर सकते हो, और सुपर स्पेशलिटी भी आप वहाँ पे कर सकते हो, जिसको वो फेलोशिप बोलते हैं, तो आप वो भी आगे वहाँ पे कर सकते हो। तो ओवरऑल यहाँ पे आपके पास यूएसएमएलई का भी ऑप्शन रहता है आपके हाथ में। और गाइस, यूएसएमएलई से आपको एक और बेनिफिट ये मिलता है कि सिर्फ आप यूएसए या इंडिया में ही नहीं, आप कनाडा में भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब आप यूएसएमएलई दिए तो आप यूएसए में तो एलिजिबल हो ही, लाइसेंस आपको यूएसए का भी मिलता है, प्लस आपको कनाडा में भी काम करने का लाइसेंस मिल जाता है,
वैसे ही कनाडा के लिए भी होता है, जैसे आप कनाडा में जो लाइसेंस एग्जाम है जिसे हम MCCQE कहते हैं, अगर आप वो देते हो तो भी आप यूएसए में भी वर्क कर सकते हो और कनाडा में भी वर्क कर सकते हो। मतलब ये ऐसा है कि म्यूचुअली उनका सेम ही फंडा है, आप इधर एग्जाम कोई भी दे सकते हो, या तो यूएसए में ही दे दो या MCCQE दे दो और आप दोनों ही जगह काम कर सकते हो, और प्लस आपको इंडिया में तो एलिजिबिलिटी मिल ही रही है। तो गाइज हमने इंडिया यूएसए कनाडा की बात तो कर ली, अब फोर्थ जो प्लेस आती है वो है यूके। तो गाइज आप रशिया में MBBS करने के बाद यूके में भी जा सकते हो, वहाँ आपको प्लैब एग्जाम देना होता है, फिर आगे MRCP वगैरह होता है, बहुत सारी चीजें हैं, उस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो प्लैब पे बना चुकी हूँ, आप देख लेना जाके। और जहाँ तक बात है MRCP वगैरह पे, उस पर भी मैं बहुत जल्द एक डिटेल वीडियो डाल दूंगी। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है यूके का कि आप रशिया से MBBS करके इजीली यूके में भी जाके काम कर सकते हो। ऑल्सो आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी जा सकते हो, और वहां पर भी आपको बहुत इजीली काम करने को मिल जाएगा, वहां पर भी जो एग्जाम्स है आपको बस वही सब क्लियर करने हैं और आप इजीली काम कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, आराम से वर्क कर सकते हो। वैसे भी इंग्लिश चलता है वहां पे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, बस एक एग्जाम आपको यहाँ से क्लियर करना पड़ेगा जो भी वहाँ के लिए लाइसेंस एग्जाम है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये सारी जगहों के लिए, वो आप क्लियर करो और आप वहाँ पे इजीली वर्क कर सकते हो। तो गाइस अभी तक हमने बात कर लिया है इंडिया यूएसए कनाडा यूके ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, इतनी सारी जगहों की बात कर ली। तो अब 7 नंबर पे ले आते हैं यूरोपियन कंट्रीज को। तो गाइस अगर आपको यूरोपियन कंट्रीज में काम करना है तो भी आप बिल्कुल कर सकते हो रशिया से 6 साल का MBBS करने के बाद। जैसे कि स्विट्जरलैंड है, तो स्विट्जरलैंड में आप काम कर सकते हो, वो भी आपके पास एक ऑप्शन है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट आपको काम करने या फिर PG करने नहीं मिलेगा, वो एक्चुअली जो यूरोपियन कैंडिडेट्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जब तक आप इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान इस टाइप के कंट्री से हो जो कि नॉन EU कैंडिडेट्स हैं, तो आपको वो प्रेफर नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आप जर्मनी जा सकते हो, ठीक है, जर्मनी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। आप जर्मनी जाओ, वहाँ पे आपको एक लैंग्वेज एग्जाम देना पड़ेगा बस, और फिर एक FSP एग्जाम है जिसपे मैं बहुत जल्द ही एक बहुत डिटेल्ड वीडियो अच्छे से लाऊंगी, जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी फ्रॉम द स्टार्ट टिल द वेरी एंड की आपको कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है, क्या करना होता है, सारी चीजें डिटेल में आपको बता दूंगी मैं। तो सीधी से बात है आपको FSP एग्जाम तक वहाँ देना पड़ेगा, एंड देन आप आराम से काम कर सकते हो, आप जर्मनी में भी काम कर सकते हो, और फिर आप जर्मनी से कहीं और शिफ्ट होना चाहो पूरे यूरोप में तो भी आपके पास ये ऑप्शन है कि आप पूरे यूरोप में कहीं भी काम कर सकते हो। और गाइज जर्मनी का एक प्लस पॉइंट ये भी मिलता है कि जैसे दूसरी कंट्रीज में हमें सुपर स्पेशलिटी करने के लिए अलग से फिर से और टाइम देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जर्मनी में जब आप जाते हो तो आप डायरेक्टली सुपर स्पेशलिटी वाले ब्रांचेस उठा सकते हो, जैसे कार्डियोलॉजी हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सर्जन हो गया, आप ऐसे टाइप के ब्रांचेस उठा सकते हो आराम से। और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा ड्यूरेशन लगेगा वो सारी चीजों को कंप्लीट करने में, लाइक आई थिंक 5 to 6 ईयर्स का ही ड्यूरेशन है वहां पे, जो कि मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगी जो कि वीडियो होगा PG इन जर्मनी के ऊपर, मैं उसमें सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी आपको। तो ये एक प्रॉफिट आपको मिल जाता है जर्मनी जाने में जो कि किसी और कंट्री में आपको नहीं मिलता। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो सो फील फ्री टू कॉमेंट डाउन बिलो, और यू कैन DM मी ऑन माई Instagram, एंड प्लीज गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बिलो टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माई चैनल। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।